बाद में सर चक्कर देखे गिरेगा, हाथ पंप खींचेगा, मुँह से गजारी निकलेगा, 10 मिनट तक वो रहेगा, उसके बाद में मुर्गी का 3 तरह का उसका कोई इलाज नहीं, या बड़ा बड़ा डॉक्टर का भी तरह का कोई इलाज नहीं, हथेली का जड़ी बूटी का हम लोग का मामला में है, जो चट्टो है वो समझ लीजिए हालात से भी थोड़ा सा मजबूर है, उन्हें पकड़ लीजिए, मैंने अगर उसको थोड़ा बहुत अगर जो दवाई देता है तो उसका बहुत कंट्रोल में रहेगा, मैंने उसको रोज मुर्गी नहीं आया, हफ्ता में या 2 दिन में 3 दिन में मुर्गी आता है, मुर्गी का कोई टाइम नहीं है, 1 महीना साला है, खाला का लड़का है, साला है, उसको भी मुर्गी है, रास्ते में चलते चलते गिर जाए, हाथ पंप खींच जाए, ये लेके मुर्गी का कोई इलाज नहीं है। तो उसका क्या जो है आप इलाज, मतलब इसका कोई इलाज है क्या? कोई इलाज नहीं, उसका एक ही इलाज है, उसको जितना हो सकता है उसको खाना दिया देना पड़ेगा, उसको ख्याल करने पड़ेगा, खाना की वजह से जो मजबूरी की वजह से जो है ना उसको हाथ थोड़ा शरीर को बॉडी को कमजोर कर, अच्छा इसी की वजह से उसको खून का रफ्तार जो रहता है ना रफ्तार कमजोर हो जाता है। मतलब अगर किसी को मिर्गी आए आपके सामने तो उसको क्या करना चाहिए आपको पता है? मिर्गी जैसे आ गया है हाथ पाक की जाए, उसको कुछ करने का नहीं, चमड़ा का चप्पल जो है उसको सुंघाने का, इसलिए चमड़ा का चप्पल सुंघाने का है, चमड़ा जो है एक तरह का अजब तरह का गैस होता है, वो गैस जब सूंघेगा सांस लेने के बाद में जब गैस अंदर जाएगा, कीड़ा तो जो होता है कीड़ा, हाँ ब्लड में जो कीड़ा होता है तो कीड़ा तो समझा समझाने के बाद में 10 मिनट बाद जीरो के आपके सामने, मतलब मेरे सामने बहुत बार हुआ है, हमारे चमड़ा का चप्पल पहनते थे, अभी तो फिलहाल चमड़ा का चप्पल नहीं पहनते, यहाँ देखा कोई गिर गया मुर्गी हाथ पर खींच रहा है, चप्पल निकाला हाथ में सुना दिया, 10 मिनट बाद खड़ा कर दिया इसका मुँह में पानी, बहुत ऐसा हुआ है कि मेरे सामने में मेरा वाक्य में मामला में भी 3-4 तो है, अब पकड़ लीजिए नहाने किया नहाते नहाते दो जब पानी डालते हैं तो इसका मुर्गी, अच्छा अच्छा मुर्गी आ गया उसको उठा के हम लोग सेट करके संग संग चप्पल सुना लेते हैं उसे ठीक हो जाता है, इससे क्या होता है 10 मिनट तक आपका किस्ता सवाल नहीं, अगर कुछ ना किया जाए तो खुद बखुद ठीक हो जाएंगे या वैसे ही करते रहें? आप कुछ किया जाए करने से वो आपको 15-20 मिनट तक का हाथ पाँव खींचे, अच्छा हाथ पाँव आपको मुँह पूरा टीला कर जाए, चप्पल सुनाने से 2 से 3 मिनट तक का हाथ पाँव खींचेगा इसका बाद, ठीक है, थैंक यू।